अभी से चालू कर दिए मैं। रुकिए रुकिए रुकिए, रिवीजन कर लिए हैं? Yes, sir. कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। Yes, sir. खड़ा होकर क्वेश्चन आप लोग आपको बताना है। एक है क्वेश्चन नंबर 48। Yes, sir. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसका शॉर्टकट एक ट्रिक बताए होंगे उससे आपको बनाना है, जल्दी से बताइए। A man is, sis is going Jammui from Patna. Another man is going Patna from Jammui. मतलब कोई एक इंसान है जो कि जम्मूई से पटना जा रहा है और वही दूसरा इंसान जो है वो पटना से जम्मूई जा रहा है। आफ्टर दे मीट ईच अदर, एक जगह पे वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अदर दे कम्प्लीट देयर जर्नी इन 3 hours 16 minutes। तो पहला टाइम उनका लगता है 3 hours 16 minutes एंड दूसरे में टाइम लगता है उनको 15 hours। इफ़ स्पीड ऑफ फर्स्ट मैन इज़ 30 kilometers per hour, अगर पहले वाले इंसान का अगर स्पीड जो है वो 30 kilometers per hour के अकॉर्डिंग लगता है तो सेकेंड पर्सन के स्पीड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो उसके क्वेश्चन के लिए S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट में T2/T1। याद करने का सबसे अच्छा वे है आपको क्या कि स्पीड का जो रेशियो होगा उसके अपोजिट, उसके इनवर्स तरीके से आपको T2 और T1 का रेशियो का हमेशा लर्न रखना है। ये आपका ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत कॉमन होता है जिसमें आपको 4 डाटा दिया है, उसमें से 3 डाटा आपको पता रहेगा और 1 डाटा को आपको फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि इसी एग्जांपल में आपको बोला गया है क्या कि स्पीड 1 जो है आपका 30 है, S2 आपको पूछा है सेकंड पर्सन के लिए और अंडर रूट में T2 जो दिया हुआ है ये आपको गिवन है यहाँ पे 15 आवर्स, कितना है 15 आवर्स, ओनली 15 आवर्स दिया हुआ है तो इसको आपको किस में मिनट में कन्वर्ट करना होगा। और उसके बाद T1 जो गिवन है आपको कितना है 3 hours 16 minutes दिया हुआ है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा टोटली मिनट में। मिनट में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि सर यहाँ पे कंप्लीट ये सिर्फ आवर में है और यहाँ पे आवर और मिनट दोनों है। बिल्कुल सही है। और रेशियो में सर कट आउट होने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक ठीक, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंप्लीट इट, चेंज इट इनटू द मिनट्स। ओके, तो 3 hours 16 minutes को कन्वर्ट जब करेंगे क्योंकि T2 और T1 में होता है तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ये 900 और ये आ जाएगा 196 मिनट। ये समझ में नहीं आया कि 900 कैसे आप लिखे। सर 900 यहाँ पे 15 आवर्स था, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, देन आपका मतलब 15 × 16 = 900। यस सर, ठीक है। वैसे ही आपको सिमिलरली 3 hours 16 minutes है तो 3 × इसको 60 करेंगे मिनट में प्लस 16 कर देंगे, देन इट विल गेट द आंसर 180 + 16 = 196 मिनट। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। देन मिनट मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, 30/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट में ये 900/196, रूट निकालेंगे यहाँ से तो 30/S2 इक्वल टू 30/196 14 का हो जाएगा, 30 आपको सेम है कैंसिल आउट, देन S2 इक्वल टू हो जाएगा 14 kilometers per hour। ठीक है आप लोगों का, चलिए। थैंक यू।